अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है जेक्वेरी के अंदर एडवांस सिलेक्टर्स। ठीक है, एडवांस सिलेक्टर्स क्या होते हैं जेक्वेरी के अंदर, इसको हम देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने बेसिक सिलेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लिया था, जिसके अंदर हमने आईडी, क्लास और टैग नेम सिलेक्टर्स को यूज किया था। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी जेक्वेरी के अंदर बहुत सारे एडवांस सिलेक्टर्स हैं, उनकी भी बात करते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास पहला एडवांस सिलेक्टर में आया था यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है, जिसको हम स्टार कहते हैं। ये CSS3 में भी था, ठीक है, कि अगर हमें सारे एलिमेंट्स पे एक साथ कोई CSS अप्लाई करनी है या कोई और एक्शन परफॉर्म करना है जो कि हमारे HTML पेज के सारे एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो, तो हम यूज करते हैं ये स्टार का, जिसको स्टेरिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ड्रीम वीवर में, और यहाँ पे देखो मैंने मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की हुई है जिसका नाम है index.html। ठीक है, और उस पर मैंने वो जो मेरी jQuery की फाइल है वो भी मैंने यहाँ पे लिंक करवाई हुई है, अटैच करवाई हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ के टैग्स ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलकम टू jQuery। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कह देते हैं वेलकम टू लर्निंग नेवर एंड्स। ठीक है, मतलब मैं कुछ मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पे बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको H1 को heading 1 कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक H2 का एलिमेंट बना लेता हूँ, और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं heading 2। ठीक है, और एक और मैं एलिमेंट यहाँ पे बना लेता हूँ H3 के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं heading 3। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल क्या है, मल्टीपल मेरे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं इन सब एलिमेंट पे अगर मुझे कोई कॉमन CSS अप्लाई करनी है या कोई कॉमन फंक्शन अप्लाई करना है, तो मैं यूज करूंगा कौन सा सिलेक्टर, स्टेरिक का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूं, एक हम बटन बना लेते हैं। ठीक है, इनपुट कोलन बटन और टैप करते हैं तो ये हमें पूरा ओपन करके दे देगा। ठीक है, इसकी वैल्यू बटन की मैं रखता हूँ क्लिक, और इसको आईडी मैं दे देता हूँ BTN। ठीक है, तो अब जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग इनपुट, उनका कलर फॉर एग्जाम्पल चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं आ जाता हूँ जहां पे मैंने jQuery की फाइल कॉल करवाई हुई है, उसके नीचे मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट के सेक्शन के अंदर, और सबसे पहले हम कौन सा कोड लिखते हैं, वो डॉक्यूमेंट रेडी वाला। तो वो कैसे लिखते हैं, पहले $, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट, और फिर उसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, और फिर ब्रैकेट के बाहर हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं रेडी। ठीक है, रेडी कब चलता है, जैसे मेरा HTML पेज ब्राउजर पे लोड होता है तो ये रेडी फंक्शन चलता है, और मैं कह रहा हूँ जब मेरा ब्राउजर लोड हो जाए, ठीक है, तो एक फंक्शन कॉल करो। ठीक है, फंक्शन कॉल करो। ठीक है, और उसकी बॉडी यहाँ पे बना देते हैं, एंड में सेमी कोलन लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो, ठीक है, तब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कलर चेंज हो जाए फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, पहले डॉलर का साइन और फिर यहाँ पे उस बटन की आईडी। बटन को मैंने आईडी क्या दी थी, BTN। तो आईडी के लिए पहले सिंबल यूज करेंगे हैश, और फिर BTN, और फिर यहाँ पे डॉट लगा के मैं कहता हूं कि जब इसका क्लिक इवेंट चले, मतलब जब बटन के ऊपर क्लिक हो, तो एक और फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाए। ठीक है, चाहिए, और उस फंक्शन की बॉडी यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम सेमी कॉलन लगा लेते हैं ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, और अब मैं कह रहा हूँ जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट रेडी होगा, ब्राउजर पे लोड होगा, और उसके बाद जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होगा, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए मैं यहाँ पे सिंबल यूज करूंगा स्टार का। ठीक है, जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाए, फॉर एग्जाम्पल उनका CSS। ठीक है, CSS मेथड यूज करता हूँ जो jQuery का मेथड है। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसके पहले आर्गुमेंट में प्रॉपर्टी का नाम देता हूँ CSS की, और दूसरे आर्गुमेंट में मैं क्या देता हूँ इसको रेड। ठीक है, मतलब उस प्रॉपर्टी को वैल्यू दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास इस डॉक्यूमेंट में जितने भी, देखो स्टेरिक का मतलब होता है ऑल, मतलब जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं उन सब का कलर क्या कर दो, रेड कर दो एक ही क्लिक के ऊपर। तो देखो यहाँ पे सेव करते हैं, और अगर मैं अपने ब्राउजर पे आऊं, इस पेज को हम लोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो सारे एलिमेंट्स आ गए। तो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर कब यूज करते हैं, जब हमें हर एलिमेंट के ऊपर कोई कॉमन चीज अप्लाई करनी हो। तो अब देखो जैसे मैं क्लिक के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे
जितने भी एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग बटन, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई काम करना है तो आप यूज कर सकते हो ये स्टेरिक, मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास सिलेक्टिंग लिस्ट आइटम्स। ठीक है भाई, अगर आपको पता है हमारे पास लिस्ट आइटम्स होते हैं, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर भी लिस्ट आइटम होते हैं, ऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर भी लिस्ट आइटम्स होते हैं। तो अगर मुझे लिस्ट आइटम्स को टारगेट करना है और उनके ऊपर कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म करवानी है, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कौन सा सिलेक्टर, यूएल और फिर एलआई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, ये जितना भी कोड है मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे आके मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट हम वैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है, यूएल लिखते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम एल आई बनाते जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम काम करते हैं, लेकिन अब मैं इसका आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, जो आप ड्रीम वीवर के अंदर भी कर सकते हो, ब्रैकेट्स के अंदर भी कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड में भी कर सकते हो। वो क्या है, पहले आपने लिखना है यूएल और फिर ग्रेटर देन का साइन और फिर उसके अंदर एल आई। अब आपको एल आई कितने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एल आई चाहिए 5, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको 5 के साथ, मतलब एल आई को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 के साथ। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करूंगा तो देखो उसने मुझे यूएल ओपन करके दिया और उसके अंदर 5 एल आई ओपन करके दिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 5 एल आई से मल्टीप्लाई करो या 50 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मैं आप ये यूएल बनाया और इसको मैं आईडी दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट 1। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं डेटा दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। ठीक है, कंट्री के नेम्स देते हैं पाकिस्तान, इंडिया और यहाँ पे हम बांग्लादेश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कनाडा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम श्रीलंका कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 क्या है, सिटीज हैं। ठीक है, थीके? और ये मैंने एक ऑर्डर लिस्ट बना ली, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे ये जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं उनके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल कोई सीएसएस अप्लाई करनी है, फॉर एग्जाम्पल उनका फॉन्ट साइज बड़ा करना है। अगर मैं अभी आपको यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाऊं, रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं क्लिक करूं ये जो जितने भी आपके पास लिस्ट आइटम्स है ये बड़े हो जाए। ठीक है, इनका साइज फॉन्ट साइज बढ़ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं ये वाला कोड हटाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉलर का साइन और फिर अब मैं सिलेक्टर यूज करूंगा यूएल के अंदर एल आई। ठीक है, और मैं कहता हूं जितने भी एल आई हैं उनका सीएसएस, ठीक है, उनका सीएसएस में आपने क्या अप्लाई करना है, उनके सीएसएस में आप फॉन्ट साइज, ठीक है, एक प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं फॉन्ट साइज और उसका फॉन्ट साइज आप क्या रख दो, फॉर एग्जाम्पल 40px। ठीक है, इससे क्या होगा कि जितने भी एल आई हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके पास 40px उनका फॉन्ट साइज हो जाएगा जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा। तो अब यहां पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए इन सब का साइज क्या हो गया, आपके पास इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। अच्छा, फिर एक चीज नोटिस करो, अभी ये जो मैंने यूएल और एल आई कॉल किया है उनका साइज मैंने क्या करवाया, 40px, लेकिन इस कोड के थ्रू पता है क्या होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में जितनी भी अनऑर्डर लिस्ट है उन सब के लिस्ट आइटम्स का फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, 40px। लेकिन मैं चाह रहा हूं मुझे सिर्फ ये जो सिटीज वाला अनऑर्डर लिस्ट है सिर्फ इसी का साइज बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पे यूएल की जगह उस अनऑर्डर लिस्ट की आईडी कॉल कर लेता हूं। आईडी क्या दी थी हमने, लिस्ट 1। ठीक है, लिस्ट 1 कॉल कर ली थी। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, मैं ये कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इसकी मैं आईडी हटा देता हूँ, ठीक है, या आईडी हम चेंज कर देते हैं, लिस्ट 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो मैं अभी एल आई टारगेट कर रहा हूँ वो किसके एल आई टारगेट कर रहा हूँ, लिस्ट 1 की आईडी जिस अनऑर्डर लिस्ट के पास है उसको टारगेट कर रहा हूँ और उसका फोन साइज मैं क्या कर रहा हूँ, 40px कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये 2 अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, इसका हम थोड़ा जूम कम कर देते हैं ब्राउजर का। ठीक है, और अब देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँ तो हमारे पास किसका फोन साइज इंक्रीज होगा, लिस्ट 1 का। ठीक है, क्योंकि उसी की आईडी कॉल करवा के मैंने फॉन्ट साइज बढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट है इसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, ये सेकंड लिस्ट मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, इधर समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है,
सही है, तो एक आपके पास एडवांस सिलेक्टर ये हो गया। फिर आ जाओ सिलेक्टिंग मल्टीपल क्लासेस, ठीक है, मतलब अगर मल्टीपल क्लासेस को हमने टारगेट करना है एक ही सिलेक्टर के अंदर, ठीक है, तो तब हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एडवांस सिलेक्टर के। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं, मैं यहां पे फॉर एग्जांपल इसको कमेंट करता हूं अनऑर्डर लिस्ट को, ठीक है, और यहां पे आके दो पैराग्राफ के टैग चाहिए तो मैं यहां पे पी लिखता हूं और स्टेरिक करके टू करता हूं, और जैसे ही टैप करूंगा मेरे पास ये दो ओपन हो जाएंगे, सही है। और फिर यहां पे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल यहां पे हम दो नाम लिख देते हैं, एक मैं लिख देता हूं आदिल, ठीक है, और यहां पे एक में हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल उसामा, ठीक है। तो ये दो मैंने पैराग्राफ्स में दे दिए, ठीक है। तो अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि भाई यहां पे मैं इसको क्लास अप्लाई करता हूं C1, ठीक है, और इसको मैं क्लास अप्लाई करता हूं C2, ठीक है, और एक और मैं यहां पे पैराग्राफ बना लेता हूं, इसके अंदर मैं यहां पे रख देता हूं अली, ठीक है, लेकिन मैंने क्लास किसके ऊपर अप्लाई किया है, आदिल और उसामा वाले पैराग्राफ में, ठीक है, C1 और C2। तो अब अगर मैं इसके ऊपर कुछ अप्लाई करना चाहूं, ठीक है, मतलब मल्टीपल क्लासेस को मैं एक ही सिलेक्टर के अंदर अगर टारगेट करूं, तो मैं यहाँ पे कहता हूं डॉट C1, ठीक है, और फिर कॉमा लगा के डॉट C2, ठीक है। अब इसी तरह आप कॉमा लगा के और भी क्लासेस यहाँ पे कॉल करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि C1 और C2, ठीक है, ये क्लासेस जिन भी एलिमेंट्स के पास हैं उनका फॉन्ट साइज आप क्या कर दो, 40px कर दो। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो आदिल और उसामा की क्लासेस को मैंने कॉल करवाया हुआ था, तो उनका साइज क्या हो गया आपके पास, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो एक आपके पास ये भी है, मल्टीपल क्लासेस को आप सेलेक्ट करवा सकते हो। फिर इसके बाद देखो सिलेक्टिंग मल्टीपल एलिमेंट्स एट अ टाइम, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि H1 को भी टारगेट किया जा रहा है, डिव को भी टारगेट किया जा रहा है, और P को भी टारगेट किया जा रहा है। तो अगर इस तरह का आपके पास काम है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला एडवांस सिलेक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, ये वाला जितना भी कोड है मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और ये जो ऊपर हमने एक कोड लिखा था, ठीक है, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूँ और बटन के साथ इसको रख देते हैं, ठीक है, यहां मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स है, ठीक है, पी भी है, H1, H2, H3 भी है। तो अगर मैं यहाँ पे इनको इनके टैग के नेम से अगर कॉल करवाऊं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई मुझे फॉर एग्जाम्पल पी पे अप्लाई करना है, फिर कॉमा, मुझे H1 पे अप्लाई करना है कॉमा, और फिर H3 पे अप्लाई करना है, ठीक है, मतलब H2 पे मैं अप्लाई नहीं कर रहा। पी, H1 और H3 के टैग्स आपको जहां जहां पे मिले आप क्या करो, आप उनका प्रॉपर्टी हम चेंज करते हैं, मैं कहता हूं आप उनका फॉन्ट वेट क्या कर दो, फॉन्ट वेट आप उनका बोल्ड कर दो, ठीक है, सही है। तो ये CSS में इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। तो अब अगर मैं यहां पे आऊं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक के ऊपर क्लिक करूंगा, अच्छा देखो ये हेडिंग्स तो ऑलरेडी बोल्ड होती हैं, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इनका राइटिंग स्टाइल चेंज करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई फॉन्ट फैमिली इनकी क्या कर लो, ऊपर कर दो, ठीक है, तो तब आपको इसका इफेक्ट नजर आएगा पैराग्राफ में भी, H1 में भी और H3 में भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट देखो, ये जो दो पैराग्राफ है इनका राइटिंग स्टाइल चेंज हुआ, हेडिंग 1 का हुआ और हेडिंग 3 का हुआ, हेडिंग 2 का नहीं हुआ, मतलब H2 का नहीं हुआ, क्योंकि उसका टैग मैंने कॉल नहीं करवाया था अपने सिलेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये इसका एक और आपके पास पॉइंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे एक है, एक सूडो क्लास यूज की गई है कोलन के बाद, जिसका नाम है फर्स्ट, और ये क्या करती है, सेलेक्टिंग फर्स्ट पी एलिमेंट अमंग ऑल पी एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब आपके पास सपोज करो कि 5 पैराग्राफ के टैग्स हैं, 5 पैराग्राफ के एलिमेंट्स हैं, लेकिन आप उन 5 के अंदर जो सबसे पहला पैराग्राफ है अगर उसको टारगेट करना चाह रहे हो, उसके ऊपर कोई CSS अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप ये सूडो क्लास यूज करोगे। तो इसको यूज कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, ये जो हेडिंग्स है, ठीक है, इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और ये जो दो पैराग्राफ्स हैं इनको कट करके हम बटन से पहले ले आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक और मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या लेता हूँ, टुडे इज संडे, ठीक है, ये एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा, और अब मैं अप्लाई करूंगा पी फर्स्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग करूंगा, मैं कहूंगा पी के ऊपर आपने एक सूडो क्लास अप्लाई करनी है फर्स्ट, ठीक है। तो मतलब हमारे पास टोटल कितने पैराग्राफ है, तीन है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पास पहला पैराग्राफ है फर्स्ट, उसका फॉन्ट फैमिली क्या हो जाए, कूपर हो जाए, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे है, तो पहला कौन सा है, वेलकम टू जेक्वेरी वाला। तो अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करूं तो देखो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ क्या हो गया, मतलब जितने भी पैराग्राफ है उनमें से जो पहला है उसने उसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया, ठीक है। फिर सेम इसी तरह पी फर्स्ट के बाद आता है पी लास्ट, ठीक है। पी लास्ट क्या करेगा, पैराग्राफ के टैग जितने भी हैं तो लास्ट वाला कौन सा है, टुडे इज संडे, उसका राइटिंग स्टाइल कूपर कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो लास्ट वाला हमारे पास क्या हो गया, कूपर स्टाइल हो गया, ठीक है। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं एडवांस सेलेक्टर। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो एक और सूडो क्लास यूज की गई है जिसका नाम है इवन। ये क्या करेगा, सेलेक्टिंग एलआई ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। मतलब आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट हो या ऑर्डर्ड लिस्ट हो, उसके अंदर जितनी भी आपके पास इवन नंबर के ऊपर लिस्ट आइटम्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर वो आपके पास रिजल्ट प्रिंट करवाएगा। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। और सेम इसी तरह ऑड के लिए भी है, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो इनके लिए सूडो क्लासेस मौजूद हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, ये जो मेरे पास तीन पैराग्राफ्स हैं, मैं इनको कमेंट आउट करता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे आते हैं जो हमने अनऑर्डर लिस्ट ऊपर बनाई थी, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और जहाँ पे बटन है उसके साथ ले आते हैं हम इसको, ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि हमारे पास ये जो अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, आप यूएल लिख दो या उसकी आईडी कॉल करवा लो लिस्ट वन, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूं ये जो यूएल है इसके अंदर जो एलआई है उसके जो इवन नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब इवन, ठीक है, मतलब 0, 2, 4, उसके ऊपर आपने क्या अप्लाई करना है, उसके ऊपर आप अप्लाई कर दो फोन फैमिली कूपर, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको सेव करते हैं, और ब्राउजर पे अगर मैं इसका रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, पाकिस्तान आपके पास कौन सी पोजीशन के ऊपर है, 0 के ऊपर है, ठीक है, इंडिया 1 के ऊपर है, बांग्लादेश 2 के ऊपर है, ठीक है, कनाडा 3 के ऊपर है, और श्रीलंका 4 के ऊपर है। तो इनमें इवन नंबर्स कौन से हुए, 0, 2 और फिर 4। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इवन नंबर्स के ऊपर जो भी लिस्ट आइटम्स है उनका उसने राइटिंग स्टाइल क्या कर दिया, कूपर कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया। तो ये इसका एक पॉइंट है। फिर सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ऑड कर दूं, ठीक है, इवन के बजाय अगर मैं यहाँ पे ऑड दे दूं, और अब इसको सेव करता हूं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूं, तो अब ऑड कौन से हैं, ठीक है, ऑड मतलब वन, वन पे कौन है, इंडिया, और थ्री पे कौन है, कैनेडा, फाइव नहीं है, इसलिए सिर्फ इंडिया और कैनेडा ही उनका राइटिंग स्टाइल चेंज होगा। तो जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो वन वो भी ऑड नंबर है, थ्री वो भी ऑड नंबर है, तो उसका राइटिंग स्टाइल क्या हो गया, कूपर, ठीक है। तो एक इसका ये भी एडवांस सिलेक्टर है, ठीक है। फिर आ जाओ एल आई का जो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल लिस्ट आइटम्स है उनके फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर अगर हमें अप्लाई करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सूडो क्लास फर्स्ट चाइल्ड की। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे एल आई कोलन और यहाँ पे क्या देता हूँ, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसका फॉन्ट फैमिली क्या हो जाए, आपके पास कूपर हो जाए, मतलब जो भी पहला लिस्ट आइटम है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो पहला लिस्ट आइटम कौन सा है, पाकिस्तान है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्या हो जाएगा, उसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक इसका ये एक और एडवांस सिलेक्टर है। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ मेथड्स भी हैं, ठीक है, जिस तरह EQ स्टैंड्स फॉर इक्वल, LT स्टैंड्स फॉर लेस देन, और फिर GT स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन। मतलब मैं LI को टारगेट कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि मैं उन LI को टारगेट कर रहा हूं जो इक्वल है 2 के, मतलब 2 के ऊपर जो भी हमारे पास LI है मैं उसको टारगेट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे कहता हूं फर्स्ट चाइल्ड में यहां से हटाता हूं और मैं यहां पे कहता हूं EQ, ठीक है, और इसके ब्रैकेट के अंदर मैं पास कर देता हूं 2।
मतलब टू के इक्वल जो भी एल आई है उसका आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल मैं उसका फोन साइज यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ उसका फोन साइज आप क्या कर दो 30 px कर दो, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देखो पाकिस्तान 0 के ऊपर है, इंडिया 1 के ऊपर है और बांग्लादेश 2 के ऊपर है, ठीक है। मतलब 2 के इक्वल कौन है, बांग्लादेश। तो वो बांग्लादेश का फोन साइज क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो सिर्फ बांग्लादेश का फोन साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर सेम इसी तरह आपके पास इक्वल के बाद आता है एलटी, एलटी मतलब लेस देन। तो अगर मैं यहाँ पे अब एलटी करता हूं, ठीक है, और मैं इसके अंदर पास कर देता हूं 3, ठीक है, तो इसका मतलब 3 से जितने भी लेस देन है उन सब का फोन साइज क्या कर दो, 30 px कर दो। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको रिफ्रेश करता हूं तो अब यहाँ पे देखो 3 पे कौन है, मतलब 0, 1, 2 और कनाडा 3 पे, और 3 से लेस देन कौन है आपके पास, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान। तो जब मैं क्लिक करूंगा इन तीनों का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो तीनों का साइज बड़ा हो गया, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर लास्ट हमारे पास आ जाता है जीटी, जीटी मतलब ग्रेटर देन। तो अब मैं यहाँ पे आता हूं, मैं एलटी हटा के मैं कहता हूं जीटी और इसके अंदर पास कर देता हूं 2, चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो देखो 2 पे कौन है, 2 पे हमारे पास है बांग्लादेश, और 2 से ग्रेटर कौन कौन है, कनाडा और श्रीलंका, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो कनाडा और श्रीलंका का फोन साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो कनाडा और श्रीलंका का फोन साइज आपके पास इंक्रीज हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे एडवांस सिलेक्टर जेक्वेरी के अंदर। और भी बहुत सारे एडवांस सिलेक्टर्स हैं लेकिन वो आपके पास अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास बेसिक थे जो यूज होते हैं एडवांस सिलेक्टर्स, वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। क्लियर है यहाँ तक?